हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। वुमेन के लिए प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, इसलिए जरूरी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी अच्छी केयर रखी जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या अंजीर खाना प्रेगनेंसी के टाइम पे सही है, और सही है तो कितनी क्वांटिटी हम लोगों को खानी चाहिए। तो सबसे पहले अंजीर होता क्या है। अंजीर एक तरीके के फ्रूट की कैटेगरी में आता है। आप उसे दूध में डाल के पका के खा सकते हैं, रूखा भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ तो दूध में डाल के उबाल देते हैं दूध को, तो सारा टेस्ट अंजीर का उसमें आ जाता है, उसके सारे फायदे उसमें आ जाते हैं। फिग बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में अंजीर बोल सकते हैं। फिग्स जो है वो फुल होते हैं न्यूट्रिएंट्स से, और बहुत हाईली रिकमेंडेड है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। जो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको कम्प्लीटली पूरा करते हैं। और जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मॉर्निंग सिकनेस से भी बचाते हैं। आप बात करेंगे कितनी क्वांटिटी खानी चाहिए, तो आप 1 से 3 अंजीर जो है वो डेली खा सकते हैं। मतलब आपको 3 से ऊपर नहीं जाना है, 1, 2, 3 तक चलेगा, खा सकते हैं, लेकिन 3 मैक्सिमम क्वांटिटी है, उससे ऊपर आपको अंजीर नहीं खानी है, क्योंकि ये गर्म भी होती है, और फिर हर चीज का अगर आप ओवर कंजम्पशन करेंगे तो वो आपको नुकसान ही करेगी, फायदा नहीं करेगी। अब बात करते हैं अंजीर के क्या क्या फायदे होते हैं। ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, बच्चे की जो बोन्स होती हैं उन्हें स्ट्रेंथन करती है, अनेमिया नहीं होने देती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है, ग्लूकोज प्रोवाइड करती है बॉडी को। जैसे मैंने बताया मॉर्निंग सिकनेस जिन्हें बहुत होती है उन्हें अंजीर जरूर अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि अंजीर उसको प्रिवेंट कराती है एक तरीके से। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करती है, और जो एक क्रेविंग होती रहती है ना कि कुछ कुछ खाते रहो, अंजीर उसको भी कंट्रोल में रखती है, क्योंकि अंजीर थोड़ी हैवी होती है, आप खा लेंगे तो आपको पेट भरा भरा लगेगा, और उससे आपकी क्रेविंग्स जो है वो खुद कंट्रोल हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप ओवर कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो है प्रेगनेंसी में मॉडरेशन में ही अच्छी लगती है। अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको नुकसान कर जाएगी, क्योंकि उस टाइम बॉडी की कंडीशंस बिल्कुल अलग होती है। कई बार अंजीर खाने से स्किन एलर्जी हो जाती है, तो जिसको स्किन एलर्जी हो जाए उसको वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। और ब्लड शुगर लेवल को कई बार काफी लो कर देती है, अगर आप ज्यादा खा लेंगे, मतलब 6-7 आप खा लेंगे तो क्या हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए, और उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। या फिर किसी भी टाइप की एलर्जी जो है अंजीर से हो सकती है, अगर आपको कहीं भी एलर्जी दिखे तो फिर आप उसको स्टॉप कर दीजिए, इसका मतलब वो आपको सूट नहीं कर रहा है। बाकी एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर दीजिए खाने से पहले, अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन दिखता है खाने के बाद तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए वो अच्छा है या नहीं। तो ये थी अंजीर के बारे में वीडियो, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है इस तरीके की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।